सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस काजी अमीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौजी अदालत से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई पर केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई तो हर केस के अपने शवाहिद और हकायक होंगे। क्या मुजरिमान रिहाई के फैसले के बाद जेलों में हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि मुजरिमान जेलों में हैं। अदालत से इस्तेदा की कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ की सरबराही में बेंच ने 196 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया था, जबकि इससे कबल तमाम दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था।